बिग बॉस और बिग बॉस के वीकेंड का बार। दोस्तों बिग बॉस के वीकेंड के बार की अगर बात करें तो पिछले दो हफ्तों से बैक टू बैक दिव्या अग्रवाल पे क्लास लगी है, और अभी इस वक्त तो मैं कह सकता हूं कि यकीन के साथ कह सकता हूं कि करण जौहर लगाने वाले हैं दिव्या की क्लास। मैं राहुल बहुत स्वागत करता हूं आपका फीफा फूज में। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम पर मौजूद हूं राहुल बोझ के नाम से, तो वहां पर मुझे फॉलो जरूर करें। दोस्तों बात करते हैं कि आखिरकार क्या हो रहा है खास बिग बॉस के घर में, और क्यों दिव्या अग्रवाल की लगेगी क्लास। हम सबको पता है कि दिव्या चाहे गलती करे या ना करे, क्लास तो उसकी लगनी है। और करण जौहर जो कि इस हफ्ते आए थे, उन्होंने दिव्या को साफ बोल दिया था, चलो भाई बॉस मैन की बात आ रही है तो बॉस लेडी की भी बात कर ली जाए। फिर उसके बाद दिव्या पर जो बरसे, बाप रे बाप। अब दिव्या ने साफ तौर पे बोल दिया कि ये लाइव फुटेज है, करण जौहर अपने इंडस्ट्री में ठीक है, जितने भी बड़े हो गए क्या होगा, इंडस्ट्री में मुझे काम नहीं मिलेगा ना, ठीक है यहाँ पे नहीं मिलेगा तो कहीं और मिलेगा, राइट। इस पे अक्षरा सिंह ये बोलते हुए नजर आए कि कोई किसी का काम नहीं रोक सकता, कोई किसी को कोई भी बर्बाद नहीं कर सकता, तुम लिख के ले लो मैं बता रही हूं। तो दोस्तों बेसिकली यहां पर ये कॉन्वर्सेशन हमें दिखाई भी गई है, राइट, लाइव में। तो ऐसे में करण जौहर जब देखेंगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ बवाल तो होगा ही होगा, उम्मीद पूरी है। अब देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन हाँ अपडेट तो यही आई है। सो ऐसे में आप लोगों का क्या रिएक्शन है मुझे इसके बारे में जरूर बताइएगा। और दोस्तों आपको बता दूं तो वरुण सूद ने भी रिसेंटली अपना कमेंट पास किया है वीकेंड के बार को लेकर, जो कि मैंने अलग वीडियो में आपको बताया था। और साथ ही साथ वरुण सूद ने दिव्या के बारे में ये भी बताया था कि उससे पंगा मत लेना भाई, उसको मिक्स्ड मार्शल आर्ट आती है, MMA सर्टिफाइड है वो। तो ऐसे में देखते हैं कि क्या होता है। खैर वैसे आपका क्या रिएक्शन है, कि आपको लगता है दिव्या की क्लास लगेगी या नहीं लगेगी, सारी बातें बिंदास कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और बने रहें चैनल के साथ, देखते रहें फीफा फूज, और मुझे इजाजत दीजिए, बाय बाय।